दुनिया कोरोना के बीच में बिजी है। इसराइल कोरोना से निपट गया, शेख जर्रा जेरूसलम और गाजा को इधर फाइल निपटा दिया। तो ये इनका पहला सिद्धांत है कि दुनिया का जब भी बिजी देखो हमला कर दो। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों का जो सेकेंड चाल है उसे कहते हैं टू स्टेप अटैक। ये क्या होता है समझिए, ये लोग क्या करते हैं आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी का 100 रुपया ले लें और सोचते हैं कि उसका 100 रुपया न लौटाए तो उस इंसान को देख के भागना नहीं है, बल्कि जब वो इंसान मिले ना तो उल्टे उससे टोको, हमारा 5000 रुपया दो, 5000 दो। तो कहेगा कैसे 5000, हम कहेंगे 5000 दो, कैसे 5000, 5000 5000 पे बात हो जाएगा। और जो हम पहले से पैसा लेके बैठे हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी जो हुआ है वो जमीन को लेकर हुआ है, यहाँ पर वेस्टर्न बैंक पे शेख जर्रा पर। इसराइल ने कहा कि शेख जर्रा हम खाली करेंगे, शेख जर्रा हम खाली करेंगे, और इधर गाजा से हमला होने लगा यहाँ पर। तो ये जानबूझ के ऐसा काम करता है यहाँ हल्ला हो। और इसने क्या किया, तबाहतोड़ गाजा और हमास को थूर दिया। पूरी दुनिया का ध्यान चला गया गाजा पर, पूरी दुनिया गाजा को बचाने में लग गई कि भैया गाजा का तुम बाजा मत बजाओ, गाजा का बहुते बाजा बज गया। इजराइल ने कचर कचर के हमास को थूरा, कचर कचर के थूरा, क्योंकि इजराइल का ये टू स्टेप है कि पहला स्टेप में किसी को कब्जा कर लो और दूसरा स्टेप पर और भयानक हमला करो कि पूरी दुनिया ओको सल्टाने में लग जाए, पीछे वाला लोग भुला जाए। तो शेख जर्रा को कोई बतिए नहीं करे, शेख जर्रा के लोग करे ससुरा हमरो हाल चाल ले रहे यहाँ पे। यही करता है चाइना। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, ध्यान से समझिए, इन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया 1959 में। और इस ससुरा चाइना को पता था कि भारत गुट निरपेक्ष है, भारत इंसानियत पे चलता है, सही गलत ये रास्ता को अच्छे से पहचानता है, भारत कभी ना कभी भी आवाज उठाएगा। इसलिए ये ससुरा सेकंड स्टेप में चल दिया, कहां पर, लद्दाख पे, क्योंकि भारत अब तिब्बत का मैटर नहीं उठाएगा। अब तू कहेगा लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, तिब्बत का मैटर चल जाएगा। यहां चाइना को लालच आ गया, उसने कहा कि तिब्बत अच्छा है, इससे भी अच्छा लद्दाख है, हम लद्दाख को